स्टेप वाइज मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कोई भी पेशेंट आपकी इमरजेंसी में आता है तो आपका सबसे पहला काम होता है कि एबीसी मेंटेन करिए। कुछ नए प्रोटोकॉल्स कहते हैं सी ए बी मेंटेन करिए, मतलब सर्कुलेशन एयरवे एंड ब्रीदिंग। पहले से चला आ रहा है एयरवे सर्कुलेशन ब्रीदिंग, है ना। तो कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे कि मेंटेन एबीसी। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल ट्रीटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट। सबसे पहली चीज करते हैं, पेशेंट आया उसको एक मॉनिटर से, कार्डियक मॉनिटर से अटैच कर दिया जो पल्स रेट बीपी ये सब बताता रहेगा। पहला काम करेंगे अटैच अ कार्डियक मॉनिटर। फिर करेंगे सिक्योर एन आईवी लाइन, ड्रग देना है आपको, सिक्योर एन आईवी लाइन। इसके अलावा हम लोगों ने कहा था मोना, एक निमोनिक पढ़ा था मोना, तो यहाँ पे तुरंत इसको ऑक्सीजन लगा लो। मोना में ओ फॉर ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे अब मोना लिख लीजिए, नेक्स्ट इज मोना, नेक्स्ट मोना है। तो यहाँ ऑक्सीजन से शुरुआत कर देते हैं क्योंकि आया ऑक्सीजन लगाने में बहुत ईज होगी, है ना। तो यहाँ एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। असली खेल अब शुरू हो रहा है। अब आप लोग देखिए एंजाइना पढ़ रहे हो तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग आपकी हो जाती है नाइट्रेट्स, है ना। और यहाँ पे अभी सबलिंगुअल नाइट्रेट देने के लिए आपको आईवी लाइन भी नहीं लगाना। जैसे ही पेशेंट आया 0.4 मिलीग्राम की सबलिंगुअल टेबलेट उसको दे दिया कि उसको टंग के नीचे रख ले। सबलिंगुअल बहुत जल्दी एक्ट करेगा क्योंकि डायरेक्टली टंग के नीचे से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से भी बच जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग पहली ड्रग लिखते हैं वो लिखते हैं नाइट्रेट, मोना का ही पार्ट है, एन फॉर नाइट्रेट। फोर्थ लिख लेते हैं सबलिंगुअल नाइट्रेट्स। अगर किसी को स्टेबल एंजाइना हो रहा होगा तो भी यही ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.4 मिलीग्राम सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एवरी 5 मिनट्स, 3 डोज दे सकते हो। 0.4 मिलीग्राम सबलिंगुअल, याद रखना सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन थ्री डोजेस 5 मिनट अपार्ट। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ये भी जानना पड़ेगा जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो क्यों हम लोग इसको देते हैं। पहली चीज ये है कि ये नॉन सेलेक्टिव वेसोडाइलेटर है, ये आर्टरी को भी डायलेट करेगा, वेन को भी डायलेट करेगा। यहाँ पे मान लीजिए किसी के कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट है, थ्रोम्बस है, आप उसको डायलेट कर दोगे तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा ब्लड पास करने के लिए। देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी था आपका, कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे कोई क्लॉट है। अब इसकी वजह से ब्लड फ्लो बिल्कुल नहीं हो रहा है, अगर इस आर्टरी को थोड़ा सा आप डायलेट कर दोगे तो हो सकता है थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो ये एक तरह से आर्टीरियो डायलेटर है क्योंकि नॉन सेलेक्टिव है तो वेन्स को भी डायलेट कर देगा, वीनो डायलेटर। तो एक तरह से आप कह सकते हो इट इज अ वेजो डायलेटर। देखिए इससे फायदा क्या होगा, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि जब CHF होता है या किसी को इन्फार्क्शन होता है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं हार्ट का वर्कलोड कम हो। वर्कलोड कब कम होगा, जब प्री लोड भी कम हो और आफ्टर लोड भी कम हो, तभी वर्कलोड कम होगा। तो हम लोग देख लेते हैं एक डायग्राम, पहले भी हम लोग पढ़ा करते थे, जो ब्लड हार्ट को आ रहा है वो डिसाइड करेगा कितना प्री लोड होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने कहा था यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हार्ट को ज्यादा मेहनत से पंप करना पड़ेगा, जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना हार्ट को ज्यादा आगे पंप करना पड़ेगा। तो आपने वीनस रिटर्न को कह दिया था कि ये प्री लोड डिसाइड करेगा, वीनस रिटर्न। और वेस्कुलर रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपने कहा था
कितना वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये आफ्टर लोड को डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्री लोड, यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर लोड, कि हार्ट को अगर रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा एनर्जी या ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन लेने होंगे, ये बढ़ जाएगा। चलिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए वर्क लोड, क्योंकि पंप तो हार्ट ने ही करना है वर्क लोड, तो ये इनमें से चाहे ये आप बढ़ा दीजिए चाहे ये बढ़ा दीजिए तो वर्क लोड आपका बढ़ना ही है ना, क्योंकि हार्ट अगर ज्यादा ब्लड रिसीव करेगा तो भी उसे पंप करना है, आगे ज्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो भी उसे ज्यादा एनर्जी के साथ पंप करना है। अब नाइट्रोग्लिसरीन का काम देख लीजिए, नाइट्रोग्लिसरीन क्या करेगा, यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन लिख लेते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन कुछ ऐसा करेगा कि ये वेन्स को डायलेट कर देगा, हमने कहा था वेसो डायलेटर है, वेन्स डायलेट, आर्टरीज डायलेट, आर्टरीज डायलेट, तो ये क्या करेगा वीनस रिटर्न, सब वेन्स डायलेट हो जाएंगी तो वेन्स में ही ब्लड भरा रहेगा, हार्ट तक आएगा ही नहीं, तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो कराना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके आर्टरीज का ल्यूमेन बढ़ गया है तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन लिख रहे हैं तो इसीलिए देयरफॉर इट डिक्रीजेस प्री लोड एज वेल एज इट डिक्रीजेस आफ्टर लोड, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, चलो ठीक है कोरोनरी आर्टरी की बात करें उसको भी डायलेट करने की कोशिश करेगा है ना, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो के लिए थोड़ा सा और स्पेस मिल जाएगा, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया था, तो वो भी तो आर्टरी है, वो भी तो वेसल, उसे भी डायलेट करेगा। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हार्ट के वर्कलोड को ओवरऑल कम किया जाए, प्री लोड कम कर दीजिए, वीनस रिटर्न कम करके हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि अगर आपका इंफीरियर वेन केवा सुपीरियर वेन केवा से जो ब्लड आ रहा है वो ना आए किसी रीजन से, जैसे वीनस पूलिंग कर दीजिए, वेन्स डायलेटेड होंगी तो वहीं भरता रह जाएगा ब्लड, तो आपका प्रीलोड कम हो जाएगा। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब जब भी किसी को एमआई होता है या कार्डियक फेलियर होता है तो कंपनसेटरी वहां पे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन हो जाता है, उसकी वजह से वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हार्ट को और काम करना पड़ता है तो लोड बढ़ जाता है हार्ट का, तो हमें वर्कलोड बेसिकली कम करना है। तो नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो वर्कलोड आपका कम हो जाएगा, क्योंकि प्री लोड भी कम हो रहा है और आफ्टर लोड भी कम हो रहा है। आई थिंक दिस इज प्रेटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाइट्रोग्लिसरीन के लिए इतना ही, 3 डोज दे सकते हैं, च्यूएबल टेबलेट भी दे सकते हैं, अगर पेशेंट कॉन्सियस है तो 5 मिलीग्राम की टेबलेट दे देंगे, च्यू करके वो चबा के उसको खा सकता है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस इज सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। अब दूसरी चीज हम लोग देते हैं, हम लोगों ने हार्ट की आर्टरी का या हार्ट के वर्कलोड का थोड़ा बहुत इंतजाम कर दिया है, अब हम लोगों को पेन कम करना है, तो देख लेते हैं पेन कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ये हमारा था किस नंबर का, डब 4th, 5th पे हम लोग जाएंगे, मोना का ही पार्ट है ये भी, मॉर्फीन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मॉर्फीन टू रेड्यूस पेन, आप लोगों ने डिस्कस किया था जो एंजाइना या जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो तो सबसे सीवियर पेन नोन है आज तक, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 डोज दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मॉर्फीन देंगे 3 to 5 मिलीग्राम, आईवी देंगे एवरी 10 to 15 मिनट्स, लिख लेते हैं 3 to 5 मिलीग्राम इंट्रावेनस एवरी 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। देखो अगर किसी को पेन हो रहा होगा तो वो और ज्यादा रेस्टलेस होगा और हाथ पैर पटकेगा, इसकी वजह से हार्ट पूरी बॉडी में अगर एक्टिविटी बढ़ेगी तो हार्ट को ही वहां ब्लड सप्लाई करना है, तो कुल मिला के हार्ट का वर्कलोड वैसे भी बढ़ेगा, अगर पेशेंट इरिटेटेड होगा एंग्जाइटी में होगा कुछ न कुछ एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, कुछ न कुछ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो हमें मॉर्फीन देना जरूरी है, पेन भी कम करेगा और एक तरह से इनडायरेक्टली कार्डियक लोड को भी कम करेगा। चलिए मोना में 3 चीज हो गया, लास्ट ए फॉर एस्पिरिन था है ना, तो ए फॉर एंटी प्लेटलेट एजेंट लिख लीजिए, यहाँ पे एस्पिरिन तो था ही, कुछ और भी दे सकते हैं, 6 आप लोग लिख लीजिए एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। आपको बताया गया था कि जहां पे भी एथेरोमा रप्चर करेगा या एपिथीलियम आपकी डिस्टर्ब होगी वहां पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट करने लगते हैं,
प्लेटलेट्स एग्रीगेट करने लगेंगे तो वहां पे थ्रोम्बस बन जाएगा, तो थ्रोम्बस ना बनने पाए या और बड़ा ना होने पाए, नया थ्रोम्बस ना बनने पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होता है एस्पिरिन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओरल एस्पिरिन लिख लेते हैं, टेबलेट एस्पिरिन, इसका मार्केट नेम है बेटा इकोस्पिरिन, मार्केट नेम इज टैब इकोस्पिरिन। ठीक है, एक तरह से ब्लड थिनर के फॉर्म में भी यूज होता है क्योंकि ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 150 मिलीग्राम टेबलेट एक स्टेट दे दीजिए तुरंत, और आगे चल के 75 मिलीग्राम डेली देते रहना है। ठीक है, तो ये आपका एस्पिरिन हो गया, मोना का लास्ट पार्ट। इसके अलावा भी हम लोग कुछ और ड्रग दे सकते हैं एस्पिरिन के अलावा, जैसे एक टेबलेट होती है टेबलेट क्लोपिडोग्रेल, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, टेबलेट क्लोपिडोग्रेल, इसको 300 मिलीग्राम स्टेट दे देंगे, देन 150 मिलीग्राम पर ओरल डेली देंगे। ठीक है, तो ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होंगे जो प्लेटलेट थ्रोम्बस बना रहा था उसको फर्दर और थ्रोम्बस को बढ़ने नहीं देंगे, नया कोई थ्रोम्बस बनने नहीं देंगे। ठीक है, एक सब्सटेंस होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 और साइक्लोऑक्सीजिनेज, इन दोनों को ये इनहिबिट कर देते हैं। ये सब डिटेल आप लोग फार्मा में पढ़े होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल प्लेटलेट के एग्रीगेशन को नहीं होने देंगे, स्टॉप प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है, तो इस वजह से जो थ्रोम्बस होगा और बड़ा नहीं हो पाएगा या कोई नया थ्रोम्बस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एंटी, तो मोना वाले पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था उसके बाद एडजंक्टिव थेरेपी के फॉर्म में कुछ था, मैंने कहा भी था कि उसमें एंटी स्कीमिक ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर देख लेते हैं, अब हम लोग एडजंक्टिव थेरेपी की तरफ आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे सेवेंथ पॉइंट पे आ जाते हैं, एंटी एंटी स्कीमिक ट्रीटमेंट। जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग यहाँ होता है वो होता है बीटा ब्लॉकर। नाइट्रेट्स भी एंटी स्कीमिक है, बीटा ब्लॉकर भी एंटी स्कीमिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी ड्रग हम लोग देंगे वो इंट्रावीनस देंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बीटा ब्लॉकर की, क्योंकि इसकी बात तो अभी तक की ही नहीं। देखिए, जब भी किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा, यहाँ लिख लेते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम डिस्चार्जेस इंक्रीज, ठीक है, आफ्टर हार्ट फेलियर, हम लोगों ने पढ़ा था हार्ट फेलियर में भी, एंड हार्ट अटैक। सो देयर इज इंक्रीज इन हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट होगा तो हार्ट की एक्टिविटी ज्यादा हो रही होगी, हार्ट की एक्टिविटी ज्यादा हो रही है प्लस आपका जो ब्लड सप्लाई है हार्ट का वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो एक तरह से डिस्क्रिपेंसी है ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई में। तो अगर हम हार्ट रेट कुछ कम कर पाएंगे तो मायोकार्डियम का ऑक्सीजन डिमांड भी कुछ कम हो जाएगा, जो कि नीड ऑफ द आवर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, देयरफॉर हार्ट रेट नीड्स टू बी रेड्यूस्ड, नीड्स टू बी रेड्यूस्ड टू डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम लोग एक तरह से बीटा ब्लॉकर देके एक तरह से रेस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, प्लस ये भी मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अगर कोई इन्फार्क्टेड या स्कीमिक या नेक्रोसिस एरिया होगा तो वो ज्यादा एक्साइटेबल हो जाता है ना, वहां पे एरिथमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इट विल ऑल्सो प्रिवेंट एरिथमियाज, लिख लेते हैं इन्फार्क्टेड और नेक्रोज्ड
एरियाज आर मोर आर प्रोन टू एक्ट लाइक एक्टोपिक फोकस. Resulting in ventricular flutter, flutter और fibrillation आपको पढ़ाया जा चुका है. Ventricular flutter और fibrillation. तो beta blocker का काम क्या होता है? ये sympathetic activity या conduction को थोड़ा सा block करेगा तो heart rate और कम होगा. तो इतना से beta blockers भी हम लोगों ने ABCD में पढ़ा था. A for एडिनोसिन, बी फॉर बीटा ब्लॉकर, सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी फॉर डिजॉक्सिन. तो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं. तो देयरफॉर बीटा ब्लॉकर विल आल्सो बी हेल्पफुल इन एरिथमियाज. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो जो इन्फार्क्टेड टिश्यू होता है वो ज्यादा एक्साइट होने लगता है. तो पेशेंट्स को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने लगता है. इसी वजह से पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाता है. इनफैक्ट जो कॉज ऑफ डेथ है ज्यादातर वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है. ठीक है, रिजल्टिंग इन शॉक एंड फाइनली डेथ. यहाँ पे बीटा ब्लॉकर हमें देने होते हैं. यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपका है आईवी मेटोप्रोलोल. लिख लेते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस आईवी मेटोप्रोलोल. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बीटा ब्लॉकर जो चॉइस होती है हमारी मेटोप्रोलोल होती है. इसको भी 3 डोज देंगे. अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं साइड ड्रग्स को हर 5-5 मिनट पे लगभग 3 डोज देंगे. 5 मिलीग्राम एवरी 5 मिनट्स टोटल ऑफ थ्री डोजेस. ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको ओरल थेरेपी पे ले सकते हैं. फॉलोड बाई ओरल थेरेपी. ओरल थेरेपी को हम लोग कहते हैं 50 to 200 मिलीग्राम ओडी और बीडी. ठीक है, पर डे मतलब इतना आपको देना है. ठीक है, प्रोबेबली हम लोग इसको ज्यादातर बीडी देते हैं. अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है एडजंक्टिव ट्रीटमेंट में पहली चीज जो कि एंटी स्कीमिक ट्रीटमेंट है. हमने कहा किसी को अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ सिंपैथेटिक डिस्चार्जेस बढ़ गए होंगे. सिंपैथेटिक डिस्चार्जेस बढ़ गए होंगे तो आपका हार्ट का हार्ट रेट बढ़ गया होगा. हार्ट रेट बढ़ गया होगा तो यहाँ पे हार्ट की एक्टिविटी या वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया है ना, तो उसको हमें कम करना है ताकि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी थोड़ा सा कम हो जाए. ठीक है, तो हम लोग बीटा ब्लॉकर देते हैं. दूसरा काम बीटा ब्लॉकर का ये है कि जो एरिथमिया होने के चांस थे, अगर ऐसा कुछ होता है तो बीटा ब्लॉकर आपके एरिथमिया को भी मैनेज करेंगे. ठीक है, तो आईवी मेटोप्रोलोल है. इसके अलावा और भी ड्रग्स है जैसे एटिनोलॉल है, ये भी दे सकते हैं. अदर ड्रग्स आर अदर या सेकेंड चॉइस हम लोग लिख लेते हैं. अदर ड्रग कॉमनली यूज्ड इज एटिनोलॉल. ठीक है, तो ये आपके बीटा ब्लॉकर्स हो गए. तो हम लोगों ने अभी तक केवल एंटी स्कीमिक ट्रीटमेंट पढ़ा है एडजंक्टिव पार्ट से. अब हम लोग एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी जो कि एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल दिए थे, यहाँ पे आईवी ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं और एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल को कंटिन्यू कर सकते हैं. तो आगे भी लिख लेते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी. ये आपका एंटी स्कीमिक 7 था, अब हम लोग 8 पे आ जाते हैं. एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी तो हम लोगों को कंटिन्यू क्या करना है, कंटिन्यू एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल. आगे हम लोगों ने देख लिया था इसको क्लोपिडोग्रेल. इसके अलावा आईवी भी हम लोग दे सकते हैं, आईवी ड्रग दे सकते हैं. एग्जाम्पल एब सिक्सीमैब या टायरोफिबान. ठीक है, टायरोफिबान.
ये दो ड्रग्स और हैं जिनको हम लोग ऐड कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हाँ और हमें एंटी थ्रोम्बोटिक्स ड्रग देने हैं, ये तो कंटिन्यू रहेगा ही। तो हम लोगों ने एंटी इस्कीमिक देख लिया, एंटी थ्रोम्बोटिक देख लिया, एक और होता है जो एंटी कॉगुलेंट होता है। वी आर स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट थ्रोम्बोलिटिक या फाइब्रिनोलिटिक, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी कॉगुलेंट थेरेपी इन फॉर्म ऑफ, अभी ऊपर देखा था हम लोगों ने, हिपेरिन। इट कैन बी अनफ्रैक्शनड या लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन। तो हम लोग 9 लिख लेते हैं, अनफ्रैक्स या यहाँ पे एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स में हम लोग लिख लेते हैं अनफ्रैक्शनड हिपेरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, ये दोनों आपके ड्रग्स यूज किए जाते हैं कि आपका कोई क्लॉट नया ना बन जाए। ठीक है, जो बन गया है उसको डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, कोई नया क्लॉट ना बन जाए। यहाँ पे जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो अनफ्रैक्शनड हिपेरिन होता है। ठीक है, इसको 60 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी देते हो। ठीक है, लिख लेते हैं 60 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी का एक बोलस दे देते हैं। ठीक है, मतलब तुरंत इंट्रावीनस लगा देते हैं, फॉलोड बाय, इसको मेंटेन भी करना होता है थोड़ी देर तक, इन्फ्यूजन भी चलना जाना पड़ता है, फॉलोड बाय इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का जो रेट होगा वो होगा एट द रेट 12 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर आवर, 12 इंटरनेशनल पर केजी पर आवर। पहले तो आपने बोलस दे दिया, फिर उसके बाद उसी ड्रग लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग इन्फ्यूजन दे देते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग अनफ्रैक्शन हिपेरिन का यूज करते हैं, और जिसको हम लोग 60 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी से पहले लोड कर देते हैं, इनिशियल बोलस देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं 12 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर आवर से। तो इतना सारा हम लोगों ने एडजंक्टिव ट्रीटमेंट में पढ़ लिया है। अब हमारे पास अगर ये अनस्टेबल एंजाइना या नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन रहा होगा, तब तो यही ट्रीटमेंट कंप्लीट है। ठीक है, इस पेशेंट को रेगुलर फॉलो करते रहिए। अगर हाँ बहुत हाई रिस्क पेशेंट है और भी कोमॉर्बिडिटीज हैं, ठीक है, तो वहां पे प्राइमरी पीसीआई कर सकते हो एनएसटीमी में, है ना, लेकिन वो केवल हाई रिस्क पेशेंट, इन जनरल नीडेड नहीं है। अब अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो आपको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हम लोगों ने देखा था थ्रोम्बोलिसिस दे सकते हैं या अर्ली प्राइमरी परक्यूटेनियस इंटरवेंशन दे सकते हैं। तब हम लोग लिख लेते हैं थ्रोम्बोलिटिक्स 10, थ्रोम्बोलिटिक्स या फाइब्रिनोलिटिक्स। अब हम लोग क्लॉट को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नेवर इन नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन या अनस्टेबल एंजाइना, यहाँ पे नहीं देना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस क्या है, टू डिसॉल्व द क्लॉट, या हम लोग आर्टरी को रीवेस्कुलराइज कर रहे हैं ना, तो फार्मेकोथेरेपी, फार्मेकोथेरेपी टू रीवेस्कुलराइज द कोरोनरी आर्टरी। तो ये भी काफी इजी है। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप इसको टीसू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे दोगे। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे दिया जा सकता है ड्रग ऑफ चॉइस RTPA, रिकॉम्बिनेंट टीसू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, रिकॉम्बिनेंट टीसू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। रेटी प्लीज, स्ट्रेप्टोकाइनेज भी दिया जा सकता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज
कैन ऑल्सो बी गिवेन, कितना दोगे? 1.5 मिलियन यूनिट्स इंट्राविनसली। ठीक है, तो ये आपके मेन ड्रग्स हैं जिससे हम लोग थ्रोम्बोलिसिस देखते हैं। जो भी आपकी आर्टरी जहां पे क्लॉट बना है, ये सारी ड्रग्स जाएंगी और वहां पे क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगी, तो दोबारा जैसे आर्टरी पहले थी वैसे हो जाएगी। लेकिन थ्रोम्बोलिटिक सब में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी रिस्क इन्वॉल्व होता है ब्लीडिंग का। ठीक है, तो जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वो होता है प्राइमरी परक्यूटेनियस इंटरवेंशन। ये हम लोग डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11th प्राइमरी परक्यूटेनियस इंटरवेंशन PCI। हम लोग सबसे पहले एक एंजियोग्राफी करेंगे, जहां पे क्लॉट होगा उसको लोकलाइज कर लेंगे, फिर परक्यूटेनियस हम लोग एक बैलून लेके जाएंगे, वहां पे इन्फ्लेट कर देंगे, क्लॉट टूट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एंजियोग्राफी, हम लोगों ने पिछले टर्न पे देखा भी था। फिर हम लोग एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी जिसमें हम लोगों ने देखा था बैलून एंजियोप्लास्टी, बैलून ले जाते थे वहां पे इन्फ्लेट कर देते थे, बैलून एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी जहां पे भी आ जाए आप कह सकते हो रिपेयर वर्क चल रहा है वहां पे। इसके अलावा हम लोग स्टेंट डाल सकते हैं, स्टेंट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से परक्यूटेनियस इंटरवेंशन हो गया। एंजियोग्राफी से देख लिया क्या करना है, एंजियोप्लास्टी से बैलून डायलेट, बैलून से क्लॉट को तोड़ दिया, और वहां पे अगर एक स्टेंट प्लेस कर देते हैं दैट विल बी मच बेटर। इस इन सबसे काम नहीं चल पाया तो हमें कार्डियक सॉरी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं लास्ट CABG, दैट इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, मल्टीपल क्लॉट्स हैं या किसी की PCI पहले हो चुकी है, तो ऐसे पेशेंट्स में आप लोग क्या करोगे, CABG का ऑप्शन रहेगा। तो लिख लेते हैं इन पेशेंट्स विद परसिस्टेंट पेन और डिटीरियोरेटिंग, मतलब कंडीशन उसकी और खराब हो रही है, हीमोडायनेमिक स्टेटस। तो ऐसे पेशेंट में हम लोग, या पहले उसकी प्रीवियस परक्यूटेनियस इंटरवेंशन हो चुका हो, तो ऐसे पेशेंट से हम लोग क्या करते हैं कि कोई और आर्टरी होती है जिसको क्लॉट के डिस्टली यहां लाके कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हार्ट को सप्लाई करने जा रहा था, ये आपका इंटरनल मेमोरी आर्टरी हो सकती है या ये आपका रेडियल आर्टरी हो सकता है, या कोई वेन लाके कट करके यहाँ पे अटैच कर दिया है, रेडियल आर्टरी हो सकता है। इसका डायग्राम हम लोगों ने कल देख भी लिया था, आप लोगों ने भी कुछ डायग्राम्स भेजे थे, वाकई वो डायग्राम्स बहुत अच्छे भी थे, एक बार देख लेते हैं वो डायग्राम। ये रहे डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कि सबसे पहले हम लोग एंजियोग्राफी करेंगे, देख लेंगे कहाँ ब्लॉक है, फिर उसके बाद उसको रीकैनलाइज कर देंगे बैलून से डायलेट करके, फिर यहाँ पे एक स्टेंट डाल देंगे। इन सब से काम नहीं चलेगा तो हम लोग कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटरनल मेमोरी आर्टरी को डिस्टल टू द क्लॉट इन्होंने जोड़ दिया है, ताकि कहीं ना कहीं से उसे पर्टिकुलरली इंटरनल मेमोरी आर्टरी से उसको ब्लड मिल जाए। अब देखो, अब किसी को हमने ट्रीट कर दिया तो ऐसा नहीं को पेशेंट तुरंत भागने लगेगा, है ना, उसका कुछ न कुछ उसको कुछ न कुछ रिहेबिलिटेशन के लिए टाइम चाहिए। तो जैसे ही किसी पेशेंट को साइन एंड सिम्टम आने लगे
तो हम लोग ये मान लीजिए कि हमारा मेन एम होता, चाहे उसे थ्रोम्बोलिटिक्स दे दें चाहे परक्यूटेनियस इंटरवेंशन कर दें, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, आइडियल डोर टू निडिल टाइम, डोर टू निडिल टाइम मतलब उसे कैनुला लगा देना, निडिल टाइम मतलब निडिल के थ्रू से थ्रोम्बोलिटिक्स दे देना, तो ये लेस देन 30 मिनट है, उसको चेस्ट पेन हुआ आपने उसको थ्रोम्बोलिटिक्स दे दिया, थ्रोम्बोलिसिस। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं आइडियल डोर टू बैलून टाइम, जब से उसको एंजाइना हुआ तब से कितनी देर में उसको परक्यूटेनियस इंटरवेंशन या एंजियोप्लास्टी बैलून से हो गई, तो लिख लेते हैं आइडियल डोर टू बैलून टाइम, बैलून का मतलब एंजियोप्लास्टी। भाई किसी हॉस्पिटल में जाओगे, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि वहां कार्डियक कार्डियोलॉजिस्ट आपको मिल जाए, नहीं होगा थ्रोम्बोलिटिक से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन अगर वहाँ कार्डियक प्रोसीजर्स हो सकते हैं और 90 मिनट्स के अंदर हो सकते हैं तो गो फॉर परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, ये आपका है लेस देन 90 मिनट्स, तो आप कर दोगे परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, मतलब बैलून डायलिटेशन कर दोगे या उसी के साथ स्टेंट डाल दोगे। एक क्विक समरी और यहाँ पे देख लीजिए ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मैंने कहा यहाँ पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ, आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपका ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दूसरा आपने कह दिया नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यहाँ पे आपने मोना दिया, वेरी गुड, यहाँ पे भी मोना दे दिया, फिर यहाँ पे भी आपने एडजंक्टिव थेरेपी शुरू कर दिया, एडजंक्टिव थेरेपी, यहाँ पे भी एडजंक्टिव थेरेपी शुरू कर दिया, फिर ठीक है इसमें आपने एंटी स्कीमिक्स दे दिए, एंटी थ्रोम्बोटिक्स दे दिए, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इसके अलावा एंटी कोगुलेंट्स दे दिए, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन अब अगर आगे जाओगे तो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगा, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आपका या तो थ्रोम्बोलिसिस होगा, थ्रोम्बोलिसिस या तो परक्यूटेनियस इंटरवेंशन या CABG, पढ़ा है हम लोगों ने कार्डियक कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। यहाँ पे ओनली PCI एंड दैट टू ओनली इन हाई रिस्क पेशेंट्स, हाई रिस्क पेशेंट्स। सो दैट वाज क्विक समरी एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।